गाइस, दिस इज अमनप्रीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेसेस। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट माय रीसेंट परचेजेस फ्रॉम नायका एंड पर्पल। और नायका पे काफी अच्छा ऑफ चल रहा था, सो मैंने कुछ ज्यादा शॉपिंग कर ली वहां से और पर्पल से भी। तो नायका पे समर सुपर सेवर सेल चल रही थी और पर्पल पे भी काफी अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट्स थे। आई डोंट नो व्हाई, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। तो रिसेंटली मुझे ये प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। और मतलब काफी देर से मैंने कुछ ना विशलिस्ट में भी करके रखे थे कि लाइक लूंगी ना। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन लोग हैं जो विशलिस्ट करके रखते हैं, जब ऑफ चलता है उस टाइम उसको कार्ट में डालते हैं। Guys, as you can see, there's still sale going on the purple, and this one will be purple haul video, क्योंकि जो नायका का हॉल है उसके लिए अगर वो भी मैं इंक्लूड करती तो ये वीडियो लंबी हो जाती। and this purple app is quite good and affordable, और यहाँ पर आपको सारे purchases मिल जाएंगे जो भी मैंने buy किए हैं। I will put all the links in the description, you can check out. So without wasting time, let's get into the video. So the first product that I got is this cucumber gel. It has no parabens, no sulfates, and it has no harsh chemicals. And this is really good for skin. और ये मेरे को तो मेरी skin में cucumber जो है वो काफी ज़्यादा अच्छा है मेरी skin के लिए। वैसे ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये मैंने mom के लिए लिया है क्योंकि उनको ये काफी time से चाहिए था। तो मैं भी यूज़ करके देखूंगी कैसा है, और मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने ओपन नहीं किया अभी। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मैक कैफीन का बॉडी स्क्रब, कॉफ़ी बॉडी स्क्रब है ये। ये मुझे काफ़ी देर से चाहिए था और ये इसकी क्वांटिटी इसकी 100 ग्राम है और नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए ये यूज़ हो जाएगा। एक्चुअली मुझे ये ब्रांड काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो क्योंकि कॉफ़ी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारे डेड सेल्स को एक्सप्लोर करती है। सो जब मैं इसको ट्राई करूँगी तो मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर दूँगी। इफ़ यू गाइज वॉन्ट, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड द नेक्स्ट इज दिस कुकम्बर का ग्लो टोनर, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम गुड वाइब्स। और एज आई टोल्ड यू गाइज कि मेरे को कुकम्बर की चीज़ें ही सूट करती हैं, तो मोस्टली मैंने खीरा 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 ही ले लिया। तो इसमें भी कोई हार्श केमिकल्स नहीं है और इसमें इट हैज़ नो अल्कोहल, नो पैराबीन्स एंड नो सल्फेट्स। तो ये मैंने मैं बताती हूँ, ये वाला जो है ना ये मैं थर्ड टाइम यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है और ये स्किन को काफ़ी ज़्यादा क्लेंज करता है। सो मुझे एक ये मैक कैफीन की ट्रैवल किट मिली है साथ में उसके, जो मैंने पहले बॉडी स्क्रब लिया। और इसमें ये कॉफ़ी फेस वॉश है और ये कॉफ़ी फेस मास्क है, दिख रहा है, ये कॉफ़ी फेस मास्क है और इसमें ये कॉफ़ी फेस वॉश, हाँ कॉफ़ी फेस वॉश है और ये कॉफ़ी फेस मास्क है। ये दोनों मुझे इस ट्रैवल किट में मिले हैं। लाइक मैंने जैसे आज ही ट्रैवल करने जाना ना, लाइक जब भी जाना होगा फिर ये ले जाऊंगी। सो एंड द नेक्स्ट वन इज दिस बायोटिक का बायो पपाया, हाँ बायो पपाया टैन रिमूवल स्क्रब, और इसको भी मैंने पहले कभी यूज नहीं किया। डोंट नो व्हाई मैंने ये ले लिया, बाहर तो मैं जा नहीं रही हूँ और पता नहीं अब बाहर जाऊंगी तो ही टैन होगा तो ही लगाऊंगी। पता नहीं उस टाइम मुझे पसंद आ गया होगा तो दैट्स व्हाई मैंने ये कार्ट में डाल लिया होगा। चलो लेट्स सी ट्राई करके कैसा होता है। सो आई पिक्ड अप दिस मामा अर्थ बॉडी वॉश, उपटन बॉडी वॉश है ये, और ये मामा अर्थ के न्यू लॉन्चेस में से है। और एक्चुअली ये भी मैंने कहाँ से, ये मैंने पर्पल से ही बाय की है और इसमें कोई पैराबीन नहीं है। इट इज़ सल्फेट फ्री एंड सूट ऑल स्किन टाइप, यू कैन यूज इट इजीली। सो द नेक्स्ट वन इज मामा अर्थ का अनियन हेयर मास्क फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, और इसको भी मैंने पहले कभी, एक्चुअली मैंने मामा अर्थ का कुछ भी पहले यूज़ नहीं किया है, गुड वाइब्स का भी किया हुआ है। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई हुआ इनके साथ, लेट्स सी मुझे कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये हेयर फॉल कंट्रोल के लिए वैसे भी अनियन जाना जाता है, तो ये अनियन हेयर मास्क है, लेट्स सी। वैसे काफ़ी छोटी पैकेजिंग है बट ठीक है, ट्राई करने के लिए इट्स गुड।
द नेक्स्ट वन इज दिस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर फ्रॉम मामा अर्थ, और ये भी मैंने पहले यूज नहीं किया है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, बट मेरी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, तो मे बी ये मैं अपनी छोटी बहन को देने वाली हूँ. सो लेट्स सी, इसकी पैकेजिंग देखते हैं. सॉरी मैंने पहले वाले की पैकेजिंग में दिखाना भूल गई. चलो इसकी देखते हैं. ये यहाँ पे लिखा है कि विद एप्पल साइडर विनेगर, ना इसकी वो लिखी है इंग्रेडिएंट्स में. पता नहीं अब कैसा होता है, मैंने एप्पल साइडर विनेगर पहले यूज नहीं किया किसी भी प्रोडक्ट में. द नेक्स्ट वन इज दिस विटामिन सी का स्लीपिंग मास्क है ये, और विद विटामिन सी एंड एलोवेरा, और ये है फॉर स्किन इल्यूमिनेशन. एक सेकंड इसको खोलते हैं. लेट मी शो यू दिस वन. आई डोंट नो ये खुल क्यों नहीं रहा है. इट हैज अ ग्रेट स्मेल ना, और मेरी ना बड़ी आदत है किसी भी चीज की खुशबू पहले लेनी होती है मेरे को ना, तो इट कम्स विद अ क्यूट पैकेजिंग, और 15 ग्राम है इसका, सिर्फ छोटा सा ही है. चलो ट्राई करने के लिए ठीक है, पता लग जाएगा कैसा है, नेक्स्ट टाइम बड़ा वाला ऑर्डर करेंगे. अभी मेरे कुछ और प्रोडक्ट्स आने हैं नायका से, एंड आई डोंट नो डिलीवरी इतनी लेट क्यों हो गई है, और जैसे ही आएगा आई विल शेयर विद यू गाइस. सो गाइस ये था हमारा आज का हॉल वीडियो, एंड इफ यू लाइक एनी ऑफ द प्रोडक्ट आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब भी. और हाँ अभी भी 50% लोग जो हैं वो अनसब्सक्राइबर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं. गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो. And one more thing, if you guys want me to do more such haul videos, do let me know in the comment section. Tab tak ke liye, stay safe, stay connected. Bye.